तो कभी कभी हम अपना फोन बच्चों को दे देते हैं गेम खेलने के लिए। हम गेम खेलने के लिए दे तो देते हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है गेम खेलते हैं और हमारी दूसरी पर्सनल डाटा पर फोटोज फाइल्स वगैरह जो होती है वो उनसे छेड़खानी कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है वो कॉल्स कर देते हैं किसी भी नंबर पर। तो इस तरीके से ऐसा ना हो आपके फ़ोन में, अगर आप किसी बच्चे को देते हो गेम्स खेल रहा हो तो कि गेम्स के अलावा किसी और सेटिंग में या किसी फोटोज में किसी में ना जा पाए। आज की वीडियो में जानेंगे इसी ट्रिक के बारे में। वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं सौरभ पाल, पाल साहब टेक्निकल सिस्टम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज देख ही लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे में सिक्योरिटी आ रहा है आपके में। अगर सिक्योरिटी नहीं आएगा तो एडिशनल सेटिंग्स आएगा। जैसे कि मेरा सिक्योरिटी आ रहा तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद मेरा आ रहा फोर, मेरे में आ रहा मोर सिक्योरिटी सेटिंग्स। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो ये आ रहा है मेरा थर्ड नंबर पर स्क्रीन पिनिंग, तो इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ऑन करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको ऑन कर दिया है। अब कोई भी विंडो में लॉक करना चाहता हूँ। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है हम किसी बच्चे को या किसी ऐसे इंसान को फ़ोन दे देते हैं, हम चाहते हैं जो हमने ओपन करके दिया है, जो विंडो ओपन करके दिया बस उसी पर ही रहे वो और कहीं ना जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, आपको जैसे कि आप ये देख सकते हो कॉर्नर पर ये जिस सारे हमारे टैब्स आ जाते हैं इस पर कर देना। ठीक है, अगर आपको कोई भी टैब आपको पिन करना है, ठीक है, जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे कि मुझे यूट्यूब करना है। ठीक है, इस पर ये ऊपर ये देख सकते हो कॉर्नर पर आ रहा है पिन का, इस पर हमको पिन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से फिर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें कह रहा है आफ्टर स्क्रीन स्पिनिंग, तो आपको ओके कर देना है। मतलब कि अब ये विंडो पिन हो चुकी है, मतलब लॉक हो चुकी है। अब देखो मैं ना बैक कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, ना ऊपर से कुछ भी नहीं, जो भी होगा बस जैसे YouTube पर मैंने पिन कर दिया, तो वो जो भी यूज़ करेगा वो YouTube ही कर सकता। इसके ना बाहर से जा सकता, ना कुछ कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। ठीक है, अगर इसको हमको हटाना है अभी, अब जब बच्चे को दे दिया, उसने गेम खेला, सब कुछ कर लिया, अब वो आपके फ़ोन से छिड़खानी नहीं कर सकता। जब आपको वो वापस दे देगा तो हमको अनपिन कैसे करना है, मतलब को इस विंडो को अनलॉक कैसे करना है। तो आपको जैसे देख सकते हो यहाँ पर आप, मैं बैक करता हूँ या टैप करता हूँ तो इसमें लिखा हुआ रहा टू कैंसिल स्क्रीन पिनिंग प्लीज़ टैप होल्ड द बैक एंड बैकग्राउंड बटन्स। आपके फ़ोन में कुछ और सेटिंग्स हो सकती है, जैसे कि मेरे में आ रहा बैक एंड बैकग्राउंड बटन्स, मतलब मुझे अपने बैक और बैकग्राउंड बटन को प्रेस रखना है। जैसे कि मेरा बैक बटन ये हो गया और बैकग्राउंड बटन ये वाला, इन दोनों को मैं प्रेस रखूँगा तो ये अनलॉक हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये अनलॉक हो चुका है। अब मैं बैग जा सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। इस सेटिंग से दोस्तों आपको ये फ़ायदा होगा, कभी कभी हम बच्चों को दे देते हैं फ़ोन गेम खेलने के लिए, वो गेम खेलने के लिए देते हैं, या किसी ऐसे इंसान को दे देते हैं जो खराब आती होते हैं, आप समझ सकते हो, जो फ़ोन में आपके पर्सनल डाटा फोटोज़ हो गए, वीडियोज़ हो गए, कुछ भी देख सकते हैं। तो इसलिए आप जो विंडो आप ओपन करके दोगे बस वही वो विंडो ऑन कर सकता है। ठीक है, इस सेटिंग से ये फ़ायदा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर ये ज़्यादातर, और दोस्तों ये सेटिंग आपको सब फ़ोनों में नहीं मिलेगी, किसी किसी फ़ोन में मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो सेटिंग्स में अगर जाकर अगर आपको यहाँ से नहीं मिलती है तो आपको सर्च का ऊपर अगर ऑप्शन आता है तो आप सर्च कर सकते हो किस नाम से, स्क्रीन पिनिंग के नाम से, स्क्रीन पिनिंग। जैसे कि देख सकते हो ये आ गया स्क्रीन पिनिंग। और दोस्तों किसी किसी फ़ोन में ये मिलेगी, किसी किसी में नहीं मिलेगी। ऑलमोस्ट 90% फ़ोन में मिल जाती है। आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं नए वर्जन के, जो फ़ोन आ रहे हैं लॉलीपॉप और किटकैट से ऊपर जो है, उन सब में फ़ोनों में मिल जाती है, लेकिन किसी किसी फ़ोन में नहीं मिलती है। किसी ना मिले तो दोस्तों इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ना मिले तो कोई गलत कमेंट मत करना, मिल जाए तो अच्छी बात है आपके लिए, अच्छा नहीं मिले तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये सेटिंग्स कर देते हो तो कोई भी आपके फ़ोन से छेड़खानी नहीं कर सकता। अगर किसी का फ़ोन देते हो सिंपल वही जो आप ओपन करके दोगे बस वही वो यूज़ कर सकता है, और कोई भी किसी भी टाइम में कहीं वो नहीं यूज़ कर सकता। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब के लिए अपना ख्याल रखें, रोज लो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। जय हिंद, वंदे मातरम।